कथा के ऊपर हर तरफ से हो रहा है हमला, मगर कथा को ही नहीं है पता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनजाने में ही कथा की जिंदगी में हमले हो रहे हैं दोस्तों, और ये हमले कोई मारने काटने वाले हमले नहीं है, ये इमोशनल हमले हैं, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी किस तरफ जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए बात करते हैं उन सभी हमलों की जो कथा पे हो रहे हैं, कथा को आने वाली जिंदगी में जो टॉर्चर कर सकते हैं या फिर रिलीफ दे सकते हैं, ये सारी बातें इसी वीडियो में करेंगे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जिंदगी के एक जंग को जीतकर कथा ने अपने आप को स्ट्रांग प्रूव कर दिया है, मगर असली जंग तो अब होनी है दोस्तों, क्योंकि जब कोई ऐसी जंग होती है जिसपे सिर्फ उसी पे फोकस होता है तो उसको हम लड़के जीत भी सकते हैं, मगर जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी जंग कब और कैसे शुरू हो जाएगी तब मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपके लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं कथा के सास ससुर से, जो कथा और आरव को अपने घर पे लाना चाहते हैं। उसके लिए कमरा भी बना दिया है, कमरा भी साफ करवा दिया, वो सब चीजें हैं। और वहां पे कौन है जो कथा को कम्पीट करने वाला है? कथा की देवरानी। मगर उससे पहले क्या कथा इसके लिए रेडी होगी? क्योंकि कथा ने आरव के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है, 7 साल जो भी उन्होंने टाइम स्पेंड साथ में किया है, वो दोनों ही थे एक दूसरे के लिए, मगर अब सब तरफ से रिश्तों की भरमार हो रही है। ये तो हो गया दादा दादी का रिश्ता, जो प्योरिटी का रिश्ता है, जिसमें बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज नहीं है, चाल नहीं है, कुछ नहीं है, जो कथा को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जब इतना प्योरिटी के साथ कोई रिश्ता आता है और वहां पे हमें लगता है कि हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना है और हम चाहते हुए वो डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम होती है। और इसके बीच में कभी कभी ईगोज भी आ जाती है, कभी कभी पोजेसिवनेस भी आ जाती है। और दूसरा है जो एसएन के साथ, एसएन को साफ साफ कथा ने जवाब दे दिया और बता दिया कि उसके लिए उसके मन में कुछ नहीं है और ना ही कभी होगा। और यह भी कह दिया कि कथा की जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी है, वो है आरव, एक ही मेल कैंडिडेट है, मगर एसएन जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और उसको भी कहीं ना कहीं ये अनजान ही है अपने इमोशंस से कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। और जब इस कड़ी में हम देखते हैं कि घर पे कथा को इन्वाइट किया है, और इन्वाइट करने के बाद जो एसएन की माँ जो कहती है कि तुम्हारे तो तेवर ही बदले हुए हैं, तुम तो ऐसे शाही कर रहे हो जैसे कथा नहीं कौन आ गया है, और तुम कैसे एप्पल की तरह लाल हो रहे हो, वगैरह वगैरह, जो साफ दिखाता है कि एसएन के मन में कथा के लिए कोई और ही जगह है। क्योंकि ऑफिस में भी हमने देखा कि जैसे ही जीतू भाई के पार्टी की बात होती है, सिल्वर जुबली एनिवर्सरी की बात होती है, तब भी एसएन बार बार शादी के टिप्स लेता हुआ दिखाई देता है, और लुक किसको दे रहा है? कथा को। तो इससे एसएन का प्रोजेक्ट तो साफ दिखता है, मगर अब प्रोजेक्ट उसकी मम्मी का हो गया है, क्योंकि उसकी मम्मी ने भी हाँ कर दी कि कथा जैसी लड़की तुम्हें मिल नहीं सकती है, तुम्हारे लिए ये बड़ा अच्छा मटेरियल है, फैमिली मटेरियल भी है और बिजनेस वुमेन भी है, तो पूरा अच्छा पैकेज है। और आगे की भी सोचे बैठी है उसकी मम्मी कि अगर कल को वियान के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि अलग अलग हो जाते हैं, तो तुम्हें तो एक बना बनाया बिजनेस पार्टनर कथा के रूप में मिल जाएगा। ये हमला भी कथा पे होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जब ये बातें कथा के सामने होंगी उसको पता चलेगा कि मम्मी क्यों मिल रही है एसएन की, तो वो तो हैरान हो जाएगी कि मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे इनवाइट क्यों किया जा रहा है, मैं तो दोस्त बन के आई थी। और तीसरा जो बड़ा ही प्यारा हमला है, जो है आरव और व्याम के बीच में बढ़ती हुई नजदीकियां, क्योंकि अभी तक आरव को नहीं पता व्याम के बारे में, व्याम को नहीं पता आरव के बारे में, मगर जब ये बात सामने आएगी, जिसकी पहली शुरुआत हो चुकी है कि आरव ने व्यान के साथ मिलकर कथा के लिए एक ट्रेडिशनल ड्रेस रेंट पे ले ली है, और कथा का सवाल है कि ये ड्रेस तुम्हें मिली कहां से, पैसे कहां से आए। अब यहां पे अगर रॉबिन और बैटमैन का राज खुलता है और आने वाले समय में सामने आता है कि बैटमैन कौन है, रॉबिन कौन है, तो क्या कथा इसको व्यान का प्लान ना समझेगी? क्योंकि कथा के मन में व्याम के प्रति कुछ तो ऐसी बातें हैं जो वो माफ नहीं कर पा रही है।
तो क्या वो ये नहीं समझे कि अब ऐसा मेरे पीछे पड़ता, व्याल अपनी चीजों को ठीक करने के लिए मेरे बच्चे के थ्रू मेरे पीछे पड़ रहा है, बच्चे से दोस्तियां बढ़ा रहा है। तो ये है तो बड़ा प्यारा सा, क्योंकि आरव के लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसका पहला एक ऐसा फ्रेंड बना है जो उसकी तरह सोचता है। तो ये भी हमला होने वाला है दोस्तों कथा के ऊपर। तो तीन तीन हमले तो मैंने गिना दिए आपको, बाकी आप भी बताइएगा अगर कुछ और भी है जो कथा की लाइफ में आने वाला है तो मजा आएगा, क्योंकि अब और भी दिलचस्प होने वाली है कथा की कहानी। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.